ओम शांति। ओम शांति। ब्रह्मा बाबा, एक्सपीरियंस द रिस्पेक्ट फ्रॉम शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से सम्मान अनुभव किया। ही हैड द विजन ऑफ विष्णु। उन्हें साक्षात्कार हुआ विष्णु का। And he heard the voice from Shiv Baba. और उन्होंने शिव बाबा से सुना। This is what you're going to become. यही आप बनने वाले हो। ब्रह्मा बाबा accepted. ब्रह्मा बाबा ने स्वीकार किया। And he remained in self-respect. और उस दुमान में रहे कि मैं कौन हूँ। ब्रह्मा बाबा very often would say, ब्रह्मा बाबा काफी बार कहते थे, I am becoming little prince Sri Krishna. मैं छोटा सा राजकुमार श्री कृष्ण बन रहा हूँ। So with that self-respect, उस सम्मान के साथ, Baba's face, बाबा का चेहरा, beautiful smile, एक सुंदर मुस्कान, Prince Krishna, जैसे के छोटे से बाल कृष्ण जैसे। So accepting respect from Shiv Baba. उन्होंने शिव बाबा से सम्मान स्वीकार किया। What Baba says for me? बाबा मेरे लिए क्या कहते हैं? To create that awareness. कि ये स्मृति रहे। And sit on the seat of that awareness. और उस सम्मान की सीट पर स्थित हो जाए। And give respect to everyone. और सभी को सम्मान दे। शांति। हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके जैसे ये पक्का है कि मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं और कौन सी आत्मा हूँ ये भी पता है ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय भी इतनी निश्चित हार असंभव है और विजय निश्चित जब भी किसी भी प्रकार के बातें सामने आती है और ये भी निश्चित है कि अंत तक बातें आनी है लेकिन चारों तरफ की निश्चय बुद्धि
तीन है और एक नहीं है तो विजय निश्चित नहीं है, लेकिन मेहनत से विजय होगी। निश्चित विजय वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई बार कई कहते हैं बाप दादा तो बहुत अच्छे, वो तो पक्का है कि बाप है और हम बच्चे हैं और बाप से ही संबंध है, लेकिन देवी परिवार में किटकिट होती है, उसमें निश्चय नकमक हो जाता है। इसलिए परिवार को छोड़ देते, हल्का कर देते, बाप को पक्का करें। साइड तो ढीला हो गया ना, बिना परिवार के माला में आना है या नहीं आना है? माला में आना है, सभी को आना है। अच्छा, 108 या 16,000 में आना है? 108 में आना है और बैठे है 3,000। 3,000 में से कौन कौन आना है 108 में? सभी आएंगे। अच्छा, सभी आएंगे तो माला का नंबर बढ़ जाएगा। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोराप की ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। ओम शांति। ओम शांति। बी वन विद एन एलिवेटेड सेल्फ रिस्पेक्ट। श्रेष्ठ स्वमानधारी सम्मान दाता बनो। मर्सीफुल बिस्टोवर रहम दिल दाता। स्वमानधारी पुण्य आत्मा रहम दिल दाता होने के कारण गिरे हुए को ऊंचा उठाएंगे। क्यों गिरा? गिरना ही चाहिए, कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे। स्वमानधारी के संकल्प व बोल इस प्रकार के नहीं हो सकते, उनमें रोब का अंश भी नहीं होगा। स्वमानधारी की देह अभिमान कभी आ नहीं सकती। They will not have the slightest trace of bossiness. Those who are in their self-respect will never become body conscious. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Welcome. Om Shanti. आप सबका स्वागत है व्यक्ति परिवार में। आज है दिन 13। It's self-respect. And continue to give regard to everyone. Today's topic, merciful श्रेष्ठ स्वमानधारी सम्मानदाता बनो। आज का शीर्षक है रहम दिल दाता।
ओम शांति एवरीवन। ओम शांति आप सभी को। सभी ठीक हैं? यस, अव्यक्ति परिवार एंड अव्यक्ति परिवार और व्यक्त परिवार इन पर्सन या जो यहाँ पे मेरे सामने हैं साकार में। डू वी कीप आवरसेल्व्स वेल और बाबा कीप्स अस वेल? हम सभी खुद को ठीक रखते हैं या बाबा हमें ठीक रखते हैं? We keep ourselves well, और हम बाबा को ठीक रखते हैं या बाबा ठीक रखते हैं हमें? दोनों। Our दीदी मनमोहिनी used to say, दीदी मनमोहिनी कहती थी, one time I know साकार बाबा and अव्यक्त बाप दादा। मैं जानती हूँ कि साकार बाबा और अव्यक्त बाप दादा दोनों ने कहा कि समझदार खुद को ठीक रखेगा। Does take care of us. बाबा हमारी देखभाल करते हैं, लेकिन बाबा चाहते हैं। Respect for Baba is to use knowledge. का सम्मान यह है कि ज्ञान को use करो। यानी कि there is fluctuation or whatever. जहाँ पे भी हलचल है। Use knowledge. ज्ञान power of knowledge. Use करना है। Knowledge. ज्ञान की शक्ति, ज्ञान की knowledge का प्रकाश। Right. ज्ञान ही शक्ति है। अगर बिजली चली जाती है, अंधेरा हो जाता है। इलेक्ट्रिशियन विल कम, इलेक्ट्रिशियन आएगा टू फिक्स इट, राइट? उसे तो एक मिनट लगेगा ठीक करने में, तो वो पावर है ना। कोई भी ज्ञान हो वो शक्ति है। दैट्स ए लाइट एंड माइट ऑफ नॉलेज। सो यूजिंग नॉलेज, light or might, like Baba has given us knowledge, तो ज्ञान को of drama use करो। We don't use Baba drama, right? Drama का ज्ञान देते हैं। And then हैं। We go to Baba, one Baba, I need help. You think Baba will help? और फिर drama में कुछ हुआ तो बोलेंगे बाबा हमें मदद करो। Use drama। तो क्या करें? तो क्या करेंगे बाबा? And that's what I noticed when बाबा बोलते हैं, Baba in person, drama का ज्ञान use करो। साकार बाबा। शिव बाबा साकार बाबा में आते थे, ब्रह्मा बाबा में। आर वी यूजिंग नॉलेज? हमेशा हमें देखते थे कि क्या क्या ज्ञान यूज कर रहे हो, क्या ज्ञान के आधार पर अपनी स्थिति बना रहे हैं। सो इट रेयरली हैपेंड दैट वी वेंट इन फ्रंट ऑफ बाबा। ये बहुत कम बार होता था कि बाबा हियर इज साकार बाबा के बाप दादा सन्मुख गए। Baba always looked at our face. Sakar Bab Dada, हमारे चेहरे को देखते थे। Baba wanted to see each one of us very happy, full of energy. क्योंकि बाबा चाहते थे कि हम हर एक को देखें कि खुश हैं, उमंग उत्साह में हैं और प्यार से सेवा कर रहे हैं। There was a time we had to take a group to Madhuban. Everyone went with a group. कि हम because Baba said they guarded. को लेके जाते थे मधुबन। No बाबा बुके. अगर कोई ऐसे ही गया तो बाबा कहते थे फूलों के बगैर आए हैं। So it was like 20, 30, how many? 20 within a year because it used to be आप एक साल में लेके जाओ। So within a year how many? तो एक साल में you have created? कितने फूल आपने बनाए? बाबा ऐसे कहते थे। I remember we have 12, 13 of us. मुझे याद है हम 12-13 लोग थे बहुत साल पहले। मदर और फिर एक माता थी। वाज होल्डिंग अ थर्मस, बिग थर्मस टू गेट वाटर। उसके हाथ में एक बड़ा थर्मस था पानी लेने के लिए। तो किसी ने उनको देखा। एक्चुअली शी वाज वन ऑफ यू नो लाइक अ गेस्ट हस्बैंड एंड वाइफ। मेहमान थे, पति पत्नी थे। सो बाबा कॉल फॉर मी 9 बजे थे। मैं कमरे में थी बाबा। सो एनीवे व्हेन बाबा कॉल्स बाबा सेज आर यू ऑल राइट। बाबा ने बुलाया और कहा ठीक है आप? मैंने बोला हां बाबा मैं ठीक हूं। वांटेड टू नो व्हाई ही इज आस्किंग। मुझे पता करना था द रूम के बाबा क्यों पूछ रहे थे। मदर वाज ओल्ड और ये माता जी वाटर बूढ़ी थी पानी ले रही थी।
supposed to बाबा के कहने का मतलब था क्योंकि आप गाइड हो तो आपको मदद करनी चाहिए या किसी से मदद लो. तो बाबा चाहते थे कि आप यथार्थ रहो अपने कर्मों में कि आप ठीक हैं. उसके बाद में उन्हें एहसास हुआ क्योंकि सभी चीज के लिए टाइम टेबल होता है. सो इफ यू आर नॉट फॉलोइंग टाइम टेबल, अगर आप टाइम टेबल पर नहीं चल रहे हैं तो बाबा को पता चलता था. बाबा पूछते थे बच्चे आप ठीक हो. सो हाउ फॉलोइंग श्रीमद, तो कैसे श्रीमद पर चलना, टाइम टेबल पर चलना, ज्ञान को यूज करना, योग करना और खुद को ठीक रखना, यानी कि खुश रहो, उमंग उत्साह में रहो, एवर रेडी रहो. As soon as you show a sign that you can do, जैसे ही आप प्रकाश मणि से are you okay? दिखाएंगे कि नहीं कर सकते, तो दादी प्रकाश मणि कहती थी क्या हुआ. बहुत बार ऐसे हुआ दादी प्रकाश मणि नहीं जा सकी, तो वो पूछेंगे कि क्या आप जा सकेंगे. और मैं सोच रही थी छोटा प्लेन है मैं जाऊं. People are not easy to travel. Even if I have traveled a lot, but यात्रा आसानी से नहीं कर पाते चाहे बहुत सारी यात्रा की हो. This is something like they are unlocking from inside some of our strength. अंदर से जैसे कि हमारी शक्ति वो बाहर निकाल रहे हैं. So this is what whenever Baba looks at us. जब भी बाबा हमें देखते हैं okay. हमें ठीक रहना चाहिए और फिर आपको बाबा से वरदान प्राप्त होते रहते हैं. हर समय उन्हें आपके ऊपर काम करना रहता है. You always have something. अब ये बात हो गई, अब वो बात हो गई, हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है. So then, Baba has to fix it. And then तो बाबा को फिक्स करना पड़ता है और वरदान देते हैं. अगर आप होमवर्क करेंगे, खुद को ठीक रखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, किसी पे अटक नहीं जाए, तो बाबा के वरदान प्राप्त होते रहेंगे. तो भगवान सामने को हमेशा ठीक रहना है. इस रीजनल मीटिंग में about a new slogan and that is हमने नए स्लोगन के बारे में बात किया, वो है कि you still looking for something. अगर आप डाइनिंग हॉल के बाहर आ रहे हो, अभी भी ढूंढ रहे हो कि कुछ मिठाई मिले, कि मैं फुल हूँ, बस भरपूर हूँ, सब कुछ है, सिर्फ ओके नहीं, लवफुल, प्रेम से भरपूर हूँ, शांति से भरपूर हूँ, आनंद से भरपूर हूँ, ज्ञान से भरपूर हूँ. जगदीश भाई, you know, he was serious, कर रहे थे. Very जगदीश भाई सीरियस भी थे, बहुत मजाक भी करते थे. अगर आप उनके क्लास को सुनेंगे तो जोक्स भी सुनाई देंगे. वेरी मच इन द बिगिनिंग ऑफ इन दिल्ली व्हेन सर्विस बिगन, शुरुआत में वो दिल्ली में थे जब सेवाएं चल रही थी. मैं भी थी वहां पे. दादियां कहती थी फूल इन हिंदी इज फ्लावर, फूल फूल यानी के एंड देन देयर इज फूल, फूल है इंग्लिश में अलग मतलब है, हिंदी में अलग मतलब है, और फिर फूल भी है यानी के. तो जब आप फूल उसका मतलब अलग भी होता है, तो फूल 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 और फूल इट्स लिटिल डिफरेंस या थोड़ा सा अलग बोलते हैं. ऑलवेज से वी आर ऑलवेज यानी के भरपूर, बिकॉज़ नाउ इज द टाइम वी डोंट हैव टू हैव एनी थिंग लैकिंग. अभी समय है, हमें कुछ भी कमी नहीं महसूस होनी चाहिए. तो खुद को भरपूर रखें यानी के ज्ञान भरपूर है, योग यूज करो, धारणा पे रहो. जस्ट टेक आउट यू नो दादीज इवन एट द एज, दादियां इस मिडनाइट यू वेक अप
उम्र में भी आधी रात को उठते हैं, सो नहीं पा रहे हैं, व्हाट विल हैपन इन द मॉर्निंग, अगर अभी नहीं सोंगे तो सवेरे में क्या होगा, बिजी दिन है, अभी तो मुझे सोना ही है. लेकिन दादियों ने वो नहीं किया. उनके कुर्सी रहती थी फलक के बाजू में, और एक छोटी सी लैम्प भी होती थी, फिर जब उठती थी मनन चिंतन करते थे. उठो या तो शरीर स्थिति, आत्मिक स्थिति अनुभव करो. मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी आत्मा को शायद सकाश की जरूरत है, तो लाइट और माइट दो. Keep saying next day, I couldn't sleep. I couldn't. अगर सो नहीं पाए तो ये नहीं कहते रहो कि मैं सो नहीं पाई. अच्छी बात है, सो नहीं पाए तो बाबा को याद कर पाए. तो कभी उसकी वजह से नाराज नहीं होना. Baba might be also free at this time. बाबा भी फ्री होगा उस समय. क्यों ना मैं बाबा के सन्मुख जाके बैठूं, तो थोड़े से पल आनंद में रहे. Full and okay. अपने को फुल रखना और ओके रखना, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है. Also help others. ताकि हम दूसरों की भी मदद कर सके, ताकि वो भी फुल रहे, भरपूर रहे. अब बाबा हमें देखते हैं कि क्या हम अपने स्वमान में स्थित हैं. So what is that self-respect? तो वो स्वमान क्या है? हमारा लक्ष्य स्वमान है. हम क्या बन रहे हैं? लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं. What are we becoming? Angels. बन रहे हैं. फरिश्ता बन रहे हैं क्या? हम विश्व सेवाधारी बन रहे हैं. हम और क्या बन रहे हैं? Keep adding. हम विश्व परिवर्तक बन रहे हैं. One of that. What कोई भी स्वमान ले ले. And stay in that self-respect. बाबा कह रहे हैं आप ये हो तो उसी स्वमान में टिक जाओ. जो भी आपको पसंद हो सबसे ज्यादा. आप देवी देवता बन रहे हो. So emerge that. तो ये इमर्ज करें. Then which one? और स्थिति में स्थित हो जाएं. फिर जो भी जरूरत हो, सरस्वती लक्ष्मी जो भी जरूरत हो वो बन जाओ. So being in self-respect. तो स्वमान में टिके रहना. Saying then you are a charitable soul. तो आप पुण्य आत्मा हो. Good soul, but charitable. पवित्र आत्मा ही नहीं सिर्फ, लेकिन आप पुण्य आत्मा हो जो हरे की मन इच्छा मनोइच्छा जो भी है सही समय पर पूर्ण करे. But also you are merciful. और उसके साथ साथ आप रहम दिल भी हो. You are merciful. Now this is something very simple, right? रहम दिल ये बहुत ही सिंपल बात है, लेकिन ये होमवर्क के रूप में क्यों ले रहे हैं? ताकि आप कल ध्यान दें कि क्या पुण्य आत्मा के संकल्प आए, क्या मैं रहम दिल थी, तो आप चेक करें और उस पर मनन चिंतन करें. Someone's hand burns little bit, very किसी का हाथ जल गया थोड़ा, कई बार जल जाता है किचन में, तो कोई कहता है वो जैसा काम करती है वो तो जलेगा ही. लेकिन वो अगर भोजन बना रही थी, छोटी है, हाथ छोटा है, और जो बर्तन था वो बहुत बड़ा था, जो चम्मच है वो बहुत अंदर गया, तो फिर जलने के हाथ जल गया है. तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो तो जलेगा ही, ऐसे काम करेगी तो. एक तो पहले से ही
कोई दर्द में है सेवा, लेकिन फिर भी यज्ञ की सेवा कर रहा है और ऐसे नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगी आगे से. पुण्य आत्मा हमेशा उसको वरदान देगी, दुआएं देगी, सेवा bless you so that you can continue to do jo bhi seva aap kar rahe ho use aap vartan dete ke wo karta rahe chahe koi bhi paristhiti ho aap nahi kar pa rahe hain things are required to duaon ki bahut zarurat padti hai doing karma yoga lot of blessings nirantar karma yoga karte hain to unhe vardan do duaen do taki wo karte rahe. Everyone does something or another. हर आत्मा कुछ न कुछ करती है. So not that okay. Anything because so many things happen. कितनी सारी चीजें होती हैं. Whether it is a burn, whether it is a fall, or whether it is any kind of disability happens, what we have to do. कुछ जल गया या किसी भी प्रकार का कुछ हो गया. हमारी यथार्थ शक्ति के दुआएं दो, वरदान दो. और बाबा कह रहे हैं वो आपको बहुत मदद मिलेगी तो आपको बेअभिमान नहीं होगा क्योंकि हर एक छोटा सा कर्म भी वो देह अभिमान में है या देही अभिमानी में है. मैं कैसे दिख रही हूँ, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, वो सब उस भान पे होता है कि देह अभिमान है या देही अभिमानी. और स्वमान का बहुत गहरा ताल्लुक है भान के उसमें. तो देही अभिमानी है तो कल का होमवर्क है कि हम पुण्यात्मा है, रहम दिल दाता है, इन दो विशेषताओं के ऊपर स्वमान में रहेंगे. ओम शांति. We have a few questions for you. ओम शांति दीदी, कुछ सवाल हैं आपके लिए. This deep secret you just shared with us about ये जो गहरा राज आपने हमारे साथ शेयर किया कि जब हम वरदान देते हैं तो हम अभिमान में नहीं रहेंगे. तो कौन सा आसान तरीका है कि देह अभिमान में न रहे? When you started the दुआएं देते रहे. When you started what you were sharing, you were talking about using drama. शुरुआत so I want drama. No. How do you use drama these days? Do you have new methods? कैसे use करते हैं? The same thing that Baba is saying. How are you using drama? आप कैसे use करते हैं drama को? क्या नए तरीके हैं? When you say drama, then past is past. Even something happened. जब कहते हो तो जो हो गया. We keep exploring. Why? कुछ पल पहले भी हो गया तो भी ठीक है. हम नई चीजें प्रयोग करते रहते हैं. Really now experience is a game. मैं अनुभव करती हूँ कि ये गेम है, माया खेल रही है, हम खेल रहे हैं, हम गेम्स खेलते रहते हैं. Realizing and deeply understanding. ये एहसास होना चाहिए, समझ होनी चाहिए. ये ड्रामा है, एक्यूरेट है. जो भी रहा है एक्यूरेट रहा है. So you don't use your energy. तो आप अपनी एनर्जी यूज ना करें. Into just keep exploring, keep going into बस प्रयोग करते रहे. उसी परिस्थिति में आगे पीछे ना चले. ड्रामा है, हो गया. Holding or hurt or तो उसे पकड़ कर रखना, दुख में रहना, वो देह अभिमान है. So when you are in self respect, तो जब आप स्वमान में रहते हो आप ड्रामा को यूज करेंगे. Nothing. फिर कुछ भी फील नहीं होगा. Before both said, there are two of you. Okay, what do you mean? Go ahead. Well, then you spark questions. But earlier on today, there was a lovely group discussing the whole thing of group discussion easy while being busy. में. And this easy is easy रहना. Yeah, busy होते समय यही
so much to मैंने आप में देखी है दादियों में कितनी जिम्मेवारियां you know you could phone her and it felt like as if she was your grandmother and the only thing she had करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो आपकी दादी माँ है और जैसे कि हम वो आपके फोन के लिए रुकी हुई of us will say I'm too busy I've got this to do I have this to do and this to do dusre honge hum hote hain to hum kehte hain hum to bahut busy hai hame ye bhi karna hai wo bhi karna hai hum jaise ke rote rote rahenge mujhe ye sab karna hai to ab wo sthiti tak kaise pahunchte hain look like as if you have all the time in the world itna busy hote hue bhi aap aisa kaise dikhate ho ke mere paas to time hi time hai it's up to us no वो हमारे ऊपर है कि कैसा हम फील कर रहे हैं जब मैं ज्ञान में आई थी मैंने स्कूल फिनिश किया था मैं यूनिवर्सिटी में थी रीड लॉट स्टडी तो मुझे बहुत पढ़ाई करनी रहती थी मम्मा सेंटर में आने वाली थी मम्मा इज कमिंग फर्स्ट टाइम मम्मा पहली बार सेंटर में आ रही थी सो यू हैव टू स्टडी एंड बनाना था प्रिपेयर फॉर Like you all were talking about visitors today. Visitors आते हैं बात कर रहे थे पहले तो वो वहाँ पे भी बातें कर रहे थे मुझे थोड़े से ही घंटे नींद मिली और यंग होते हैं तो मैनेज कर सकते हैं मम्मा कुछ दिनों बाद आई और मम्मा पांच दिन हमारे साथ थे Don't know how do I manage my day. मुझे पता नहीं कि कैसे मैं मैनेज करूं अपना दिन मुझे पढ़ाई करनी है कॉलेज जाना है और सेंटर चलाना है इट वाज अ ब्यूटीफुल सेंटर वेरी मॉडर्न एंड सो एवरीवन सेंटर था मॉडर्न था सी द सेंटर सभी आकर सेंटर देखते थे मम्मा सेड ऑल दैट इज इन योर हेड विजिटर्स आते थे मम्मा ने कहा वो सब तुम्हारे दिमाग में है आप अपने दिमाग में बिजी हो मैंने कहा दिमाग में नहीं है ये प्रैक्टिकल में है मम्मा ने कहा सवेरे में जब आप उठते हो आप एक दो तीन चीजें बनाओ कि भाई मुझे ये दिन में करनी है और लिख दो दिमाग में कुछ भी लिख के नहीं चलो लिख दो तो मैंने लिखा कुछ घंटे ये करना है कुछ घंटे वो करना है और फिर मुझे लगा कि हाँ समय समय है Suddenly I realized that and I keep telling मुझे ऐसा हुआ कि अगर मैं सभी को कहती रहूंगी कोई गाते रहते कि मुझे बहुत काम है मुझे बहुत काम है राइट हाउ मेनी थिंग्स यू हैव टू डू लिखो कितनी चीजें करनी है फाइंड दे आर डन और फिर अगर करोगे तो पता चलेगा कि हो गया सेकंड थिंग दीदी सेड और नो मम्मा ने कहा इफ यू हैव ओनली दिस थॉट हाउ विल यू रिमेम्बर बाबा अगर आपको ये संकल्प है If you always बाबा को याद करो I have to do this. अगर so, आप यही सोचेंगे मुझे ये करना है वो करना है If I have to remember Baba, which is तो very मुझे एहसास हुआ अगर मुझे बाबा को याद करना है वो बहुत जरूरी है the task obstacle free. तो so योग से ही आप विघ्न प्रूफ बनते हैं विघ्नों को परे रखते हैं तो नहीं तो बहुत समय तो विघ्नों में ही चले जाएगा I developed this hobby of remembering Baba. दिलचस्प थी बात थी मैंने everything in the morning बाबा को याद करने की आदत डाली और रोज सवेरे उठकर मैं लिखती थी कि ये करना है वो करना है सम चिल्ड्रन नहीं तो क्या होता था कुछ बच्चे पूरा दिन ये करना है होमवर्क करना है मुझे पढ़ाई करनी है और फिर समय भी वेस्ट करते रहते हैं वो बोलते बोलते और दूसरी बात मुझे ये भी पसंद आई जो एरिक ने कहा क्योंकि अब रियलाइज नहीं करते अश्विन मेहता हमारा लॉयर है तभी से उनके पास ज्यादा काम है डबल है हर छोटी सी चीज के लिए आज उनके पास दो प्रॉपर्टी के पेपर थे उन्हें देखने के लिए हर कार्य लीगल हो जो सी हिम फिर भी सेइंग नो मैं कभी उनको ये नहीं दियो बोलते हुए कि नहीं अगर आप कहेंगे कहीं जाना है अर्जेंटली भूमिबेन ड्राइव्स वेल भूमिबेन उनको ज्यादातर लिखती हैं यस यस श्योर एक मिनट लगे हाँ बोलेंगे हाँ मैं जाऊंगा ही गिव्स यू नो वंस वी वर गोइंग फॉर ए वीसा रशिया लेकिन सपोर्ट वो जो देते हैं एक बार रशिया की वीजा के लिए जा रहे हैं वो स्नो पड़ रहा था मैनहट्टन में गेट बंद था हमने देखा रुक ठहरो देखें मैं पॉलिसी के बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहती हूँ
उन्होंने बहुत ही उमंग उत्साह से ठीक है हो जाएगा, आपको वीजा मिलेगी, आपको रिजेक्ट नहीं करें, अच्छी चीजें बोलेंगे ताकि हमारी एनर्जी नीचे नहीं जाए. और फिर वो कहेंगे हाँ वो काम करेंगे. तो मुझे अब रियलाइज होता है, एहसास होता है कि वो कैसे करते हैं. परमात्मा करेंगे, मैं सिर्फ मदद दे रहा हूँ. तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कर पाएंगे. कभी मेरे पास चीज आती है मैं उनको दे देती हूँ. और वो उनकी क्वालिटी है कि वो कुछ भी पूछे बगैर नहीं करेंगे. आप पूछेंगे क्या हम कर सकते हैं, ये आपको क्या लगता है हम कर सकते हैं. और मैं हमेशा कहती हूँ आप इतना अनुभव है तो आप बताइए. नहीं मुझे तो आपसे पूछना ही है. तो ये समझते हैं कि ये परमात्मा का कार्य है और मैं मदद कर रहा हूँ. Again, जो भी करते हैं आत्माओं की मदद के लिए, यज्ञ की मदद के लिए. Talking yet tomorrow I will सुन रही थी. Yeah, जो आप कह रहे थे कल मैं और बताऊंगी. Like the way he answered. मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कैसे जवाब दिया. You call him. क्योंकि कभी भी आप उन्हें बुलाओ. Yes, enthusiasm and उमंग उत्साह है. He said that was very striking was एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही. The tasks that are asked of him, but he वो कार्य वही करते हैं जो उन्हें कहा जाता है. वो दूसरी चीजों में नहीं जाते हैं. Little bit of a might be a secret, open secret. वो जैसे कि एक उनका राज होगा खुला हुआ. Such as yourself, we can include Eric if we like, but I've seen it in the seniors that. मैंने ये सीनियर्स में देखा है. Like as if they don't have anything to do. उनका दिखता है जैसे कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं. Internally. क्योंकि their vibration अंदर से. उनके वाइब्रेशंस ऐसे हैं कि दूसरों को प्रेरणा मिलती है करने की. नहीं तो कभी कभी लोगों को ऐसे लगता है कि मुझे ही करना है, कोई भी मेरे से बेहतर नहीं कर सकता. हर रोज मैं देखती हूँ जो मुझे रिप्लेस करे अव्यक्ति परिवार में. Honestly, because सच में it's almost 3 years now. क्योंकि 3 साल हो गए अब. Numbers are growing. और मैं ये नहीं देख रही हूँ कि नंबर बढ़ रहे हैं. बहुत सारे लोग अपने तरीके से उसका लाभ उठा रहे हैं. सारे विश्व में लोग इसका लाभ उठा रहे हैं. क्योंकि मैं जानती हूँ कि बाबा मदद कर रहे हैं आत्माओं की, तो मैं कर रही हूँ. That when you start seeing. मुझे लगता है कि जब आप देखना शुरू कर देते हैं कि ये परमात्मा का ही प्लान है, जैसे पीस विलेज का मैं जानती हूँ, अव्यक्त भावना का मधुबन में कहा कि हाँ ले लेना चाहिए. मैं कह रही थी नहीं, 110 बाथरूम कौन साफ करेगा, कैसे कौन मेंटेन करेगा. सो मेनी एस्पेक्ट्स, यू नो, पानी तेल सबकी बात करो. कितने सारे पहलू है, कितनी सारी चीजें हमें पता नहीं थी. और फिर मैंने कहा जब सभी तैयार है, बाबा कह रहे हैं, और अगर मैं ना कहूँ मुझे नहीं पता और क्या होगा. तो मैंने खुद को बहुत ही राजी किया, तैयार किया कि हाँ हाँ बोलो. बहुत सारी चीजें सीखने की है. गहराई से हमारा लॉयर कहता है कि ये एक हाथी जैसा खरीदना हुआ और आसान नहीं है हाथी को संभालना. मैंने कहा मेरा हाथी नहीं है, जिसका हाथी है वो संभालेगा. उन्हें भी फिर लाइट लगा. To say that, whenever you talk, she convinced you that let's do it. No, because he was saying it's too much, you know, to maintain. कह रहे थे, सारे रहे थे कि ये बहुत बड़ी बात है. You have experience of. आप सभी ने अनुभव किया होगा. बहुत बड़ा property. And here it's like, you know, vast. But it's Baba's magic. Oh, everyone is doing. बाबा का magic है. सभी मदद कर गार्डनिंग
एक बहन इंग्लैंड से थी, वो सारी गार्डनिंग कर दी थी. Every time I come here, Elizabeth is taking care of the garden and she enjoys so much. Elizabeth Ben, lot of ख्याल रखती है, वो बहुत enjoy करती है, बहुत सारी gardening करती है. Basically. जैसे कि बाबा है. So easy, yeah. तो easy है. Any lot of सरल है. Situations come. बहुत बड़ी परिस्थितियाँ आती हैं आजकल. And I don't know, I get answer. उसके बारे में थोड़ा ही सोचते हैं. और फिर मुझे जवाब मिल जाता है कि बाबा को दे दो, ये बाबा का कार्य है, आपकी परिस्थिति है, आप ही इसकी संभालो. जो भी मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी. कोई और सवाल भी है? ये आज की मुरली से मैं सोच रही थी और मैं जानना चाहती हूँ इसके बारे में आपसे. द साइकिल इज द ट्रुथ. बाबा ने कहा कि जो saying the golden age is the truth and then he said the cycle is कहा सत्युग सत्य है. फिर उन्होंने कहा कि जो साइकिल है वो सत्य है, सारा कल्प सत्य है. बाबा बताते हैं कि जो ग्रंथ है सिखों का उसमें आद सच जुगाद सच everything यानी कि वो कल जो भी हो रहा है वो सत्य है, वो भ्रम नहीं है, हो रहा है. और सिर्फ वो ही नहीं लेकिन based on जो principles है, whatever is सिद्धांत है, is accurate in drama. जो भी हो रहा है वो यथार्थ हो रहा है, accurate. So it is accurate चल रहा है. आदि भी सच, तो सब कुछ देते. तो आद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, हो सी भी सच, नान कहो सी भी सच. It is truth, God is truth. परमात्मा सत्य है. Don't realize that how little हम कभी एहसास नहीं होता है कि हम इस पूरे ब्रह्मांड में कितनी छोटी सी है. कभी मैं देखती हूँ कि वायु पानी अनलिमिटेड है, बस इधर उधर हो रहा है. और मैं एक आत्मा शरीर में, इस शरीर में अपना पार्ट बजा रही हूँ. तो मैं उनके साथ खेलती रहती हूँ, जैसे कि आप भी चल रहे हो, मैं भी चल रही हूँ, हम. तो साइकिल इज आल्सो ट्रू. तो साइकिल भी सत्य है, कल्प सत्य है. ड्रामा के साथ दोस्ती बनाए रखनी है. मोर यू आर फ्रेंडली विद ड्रामा, जितना आपकी दोस्ती ड्रामा से होगी, ड्रामा आपके सहयोगी बनेगा. आखिरी सवाल. The blessing. In the blessing, Baba was talking about. बाबा ने पूछा mine कि मैं और मेरे का भान आपको छोड़ना है. आज था कि आप निमित्त बनो और मैं और मेरा का भान. We got iron mine. Was it in the silver age? हमने copper age. हमने त्रेता युग में या द्वापर युग में हमें मैं और मेरा आया. कभी कभी मुझे लगता है कि त्रेता युग में तो मैं और मेरा नहीं आ गया. The confluence of silver and copper, no? The main सब कुछ happened there. त्रेता और द्वापर के संगम में शुरू होता है. Very लेकिन बहुत थोड़ा सा परसेंटेज होता है देह अभिमान का, और धीरे धीरे वो बढ़ते जाता है. और अब किसी को भी पहचाने नहीं है आत्मा के. सभी कहते हैं मेरी आत्मा. लौकिक भी कहते हैं कि मेरा आत्मा, मेरी आत्मा. सिर्फ बीके ही कहते हैं मैं आत्मा. वो ही जानते हैं कि आत्मा क्या है. तो जब हम कहते हैं कि सत्युग से त्रेता तक हम दो कलाएं कम हो जाती है, तो कौन सी दो कलाएं कम होती है? पवित्रता. हर जन्म जो हम लेते हैं कोई न कोई उसमें no, so little by little, खाद so पड़ रहा है. तो ज्यादातर degrees of purity reduce, पवित्रता then, तो know, पवित्रता की कलाएं कम हो रही है. yes. तो वही है. Just, it was a thought in the meditation. That संकल्प था like the daddies, योग के ऊपर. Each other and you have दादियों को एक दूसरे का साथ था. Here, do you ever feel lonely? अब सिर्फ एक ही है तो आपको क्या अकेला लगता है कभी भी? I had a very
So let me add my question to what Wadi just said. I was having the same question. दादी गुलजार मुझसे प्यार करती है क्योंकि मैं उसे अच्छी बातें करती हूँ. तो मैं सोचती हूँ तो हम जब आपके साथ Or do we meet you with requests? लेके आते तो क्या हम आपके दोस्त नहीं हैं? नदी जानकी ने एक बार कहा, एक ही बार वो आंसू में थी. दादी जी इंडिया जा रही थी लंदन से. मैं कार में थी. मैंने पूछा क्यों आपके आंखों में आंसू थे? But I have the support of equals. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे आप समान जैसों का साथ है. तो क्या आप हमको आप समान समझते हैं? Again, I know you don't see yourself as higher or anything. मैं जानती हूँ कि आप अपने को ऊंचा नहीं देखते हैं, लेकिन वो many questions you have asked, not one. बहुत सारे सवाल आपने पूछे हैं. Do you ever get lonely? Yeah, no. First one I would आपको अकेला say. मैं सिर्फ यही बताऊं. I feel lot of support. I don't know. मुझे बहुत सपोर्ट है, बहुत सहारा है परिवार से, और भारत में भी बहुत ही अद्भुत सहारा है, सपोर्ट है. मेरा दिल पिघल जाता है जिससे जितना प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता है. What I do miss that. मैं you know, क्या मिस करती हूँ कि talking, जो भी मैं बात wherever, कर रही हूँ, जो भी मेरी फीलिंग्स है, इंटरेक्ट कुछ मेरे साथ yet, बात करते हैं, समझते हैं. You look for equals where you कभी can कभी आप ढूंढ रहे हैं आप समान जैसे को, जिसमें आप गहराई में जा सके. और गायत्री बहन एक है, वो मुरलियों से सवाल निकालती हैं जिस मनन चिंतन कर सके. Wanted to be with all of you, but और यहाँ पर भी जितना चाहती हूँ कि मैं आप सभी के साथ में रहूँ. That of course we do what we have done. लेकिन मेरी every जो भी हमने किया वो जो भी आप लोगों ने बातचीत की बहुत अच्छा था. लेकिन फिर दूसरी तरफ मुझे फील होता है कि कुछ और गहराई में कर सकते थे, क्योंकि रीजनल रिट्रीट हमने की थी, भोग मैसेज आपने सुना. हमें और ऊंचा उठना है हमारी सोच में, सभी चीजों में, बहुत ही सूक्ष्म में चलना है. हमने भोग दो बार ऑफर किया था रीजनल मीटिंग में, और बहुत सारी आत्माओं ने अव्यक्त वतन का भी अनुभव किया. तो मेरी फीलिंग हर एक आत्मा के लिए के सूक्ष्म रूप से में देखे सब कुछ. ऐसे देखने की वजह से हमें शिफ्ट करना है, डिफरेंट काइंड ऑफ हम अलग तरीके से फिर सेवा कर सकेंगे. I don't know if I miss anything or मुझे नहीं पता कि अगर मैं कुछ मिस करती हूँ happy with Baba and all of किसी को, लेकिन मैं बाबा के साथ हूँ और आप सभी के साथ हूँ. Kind of be happy with them. मैं खुश हूँ. It's quite a big family, right? बहुत बड़ा परिवार है. It's so interesting that बहुत ही दिलचस्प बात है. Right. जब बड़ा परिवार भी होता है तो परेशानियां भी ज्यादा होती हैं. निर्भर भाई अबाउट समथिंग, निर्भर भाई के साथ कुछ बात कर रहे थे. निर्भर भाई ने कहा एंड सेइंग इट्स अ बिग फैमिली मींस एवरीवन विल टॉक, राइट? नॉट 10 पीपल. बड़ा परिवार यानी कि सभी बात करेंगे. थाउजेंड्स विल टॉक, नहीं कि 10 20 हजारों बात करेंगे. सो टेक इट इट्स अ बिग फैमिली या कमेंट करेंगे. इट्स वाज वेरी इंटरेस्टिंग. तो ऐसे ही ले लो कि बड़ा परिवार है. इट्स अ बिग फैमिली. और ये बहुत ही मेरे लिए दिलचस्प बात थी. इन इंडिया एवरी टाइम यू गो देयर आर 20,000 पीपल. जब भी हम जाते हैं 20,000 लोग. इट्स अ बिग फैमिली. बहुत बड़ा परिवार है. बट इट्स वेरी लविंग, यू नो, वेरी लविंग. बहुत प्यारे हैं, प्यार से भरपूर है. If Bhumi had a chance, अगर she will just go to India and say, let's stay there, right? कि भारत जाकर ही रहे. Because of certain circumstances, we dividing कुछ परिस्थिति 4 months there, 6 months like this. हम 4 महीना वहाँ रहते हैं और बाकी समय यहाँ रहते हैं. Anything.
Because you मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ मिस करती हूँ, क्योंकि जब आप सवेरे उठते हो बाबा है, जब मैं मुरली सुनती हूँ तब तक दूसरी गतिविधियां शुरू हो जाती हैं, समय ही नहीं होता है कुछ मिस करने का भी। ओके, एनीवन एल्स हैज क्वेश्चन? ठीक है, किसी और को कुछ सवाल है? ओके, ओम शांति। थैंक यू दीदी, ओम शांति। धन्यवाद दीदी, क्वेश्चंस, धन्यवाद आप सभी का, बहुत अच्छे सवाल थे। अव्यक्ति परिवार ने भी बहुत एंजॉय किया। हम पीस विलेज में हैं, बहुत बड़ा परिवार है, सारे यूएस है, सारे मेन इंस्ट्रूमेंट्स है सेंटर से। अव्यक्ति परिवार को हेलो कहेंगे। So meanwhile, our family will come on the screen. Just want to go to tomorrow's screen. कल का प्रोग्राम है, कल बुधवार है, 5 AM मेडिटेशन, 3:30 to 5 अमृत वेला होगा, अव्यक्ति बच्चों का मुरली क्लास होगा 5 to 5:30, शाम को 6 बजे योग शुरू होगा, उसके बाद में हिंदी सीरीज और फिर मेडिटेशन कमेंट्री दीदी से, और इंग्लिश सीरीज और फिर अव्यक्ति यात्रा। Put the gallery view, please. We save ourselves here. Can we see the Avikti Parivar? Can you put gallery view, please? Avikti Parivar ko dekhenge. Om Shanti, everyone. Can you all wave your hands? Aap sabhi apna haath wave kar sakte hain. Thank you. Okay, thank you. So now we'll do Avik Murli. Welcome to Avik the Journey. How are you? आप सबका स्वागत है अवयक की यात्रा में। रिश्तों के दिल से रू रिहान। You can make a program as to how much attention you paid to your pilgrimage of remembrance. 26 January 1971 ke murli zimmewari uthane se fayda. Har ek ko vyaktigat apne liye bhi koi vishesh program rakhna chahiye. Jaise service aadi ke aur program banate ho, waise savere se lekar raat tak beech-beech mein kitna aur kaise अपनी याद की यात्रा पर अटेंशन रखने के लिए प्रोग्राम रख सकते हो, यह डायरी बनानी चाहिए। अमृत वेला ही याद का प्लान बनाना चाहिए। समझो, आप लोग को स्थूल कार्य आदि में बिजी रहते हो, लेकिन उसमें भी थोड़े समय के लिए जैसे नियम बांधा हुआ हो याद में रहने का, उस समय दूसरे को भी 2-3 मिनट के लिए स्मृति दिलाओ कि अभी हमारा यह कार्य है, अभी भी याद में रहो, आप भी याद में रहो। जैसे मुकरर टाइम पर ट्रैफिक भी रोक लेते हैं, कितना भी भले जरूरी काम हो, कोई पेशेंट को हॉस्पिटल में जाना होगा तो भी रोक लेंगे। इस रीति जहां तक कर सको उतना टाइम टेबल बनाओ, तो और देखेंगे इनों का यह टाइम याद का मुकरर है तो और भी आपको फॉलो करेंगे। कोई कार्य हो उनके उनको आगे पीछे करके भी 2-4 मिनट का टाइम याद में रहने के लिए जरूर निकालो, तो उससे वायुमंडल में भी सारा प्रभाव रहेगा। सभी
एक दो को फॉलो करेंगे, बुद्धि को रेस्ट भी मिलेगी और शक्ति भी भरेगी और वायुमंडल को सहयोग मिलेगा, फिर एक अनोखापन दिखाई पड़ेगा। जैसे कुछ समय आप एक दो को याद दिलाते थे, शिव बाबा याद है, वैसे ही जब देखते हो कोई व्यक्त भाव में ज्यादा है तो उनको बिना कहे अपना अभिव्यक्ति शिव बाबा याद है, ऐसा धारण करो शिव बाबा, जो वो भी इशारे से समझ जाए। That someone is in physical, तो फिर वातावरण कुछ अव्यक्त रहेगा। You should adopt such a peaceful form. अंतिम स्टेज है साक्षात्कार मूरत। जैसा जैसा साक्षात मूरत बनेंगे, through a signal, वैसे ही साक्षात्कार मूरत बनेंगे। सभी साक्षात मूर्त बन जाएंगे, is that of granting तो संस्कार में सभी के साक्षात मूर्त समान बन जाएंगे। That is the image of granting visions. निमित्त समझकर कदम उठाना है। When all of you become images that grant visions, जैसे आप लोगों से ईश्वरीय स्नेह in a practical श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ चरित्रों का साक्षात्कार होता है, the more you will be able to successfully carry out अव्यक्त स्थिति का भी being उतना ही स्पष्ट साक्षात्कार हो। You should take every step while considering to be an instrument बनाना चाहिए, because जो the कोई भी महसूस करे, souls of the entire ये तो world, चलता फिलता फरिश्ता है। Just as people have a vision through you, साकार रूप में फरिश्तेपन का अनुभव किया ना, and of elevated divine इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते भी, in the same way, आकारी और निराकारी स्थिति का अनुभव कराते रहे। आप लोगों का भी अंतिम स्टेज का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। Anyone can feel that you are an angel who is walking and moving, अशांत वो just as you experience the angelic stage, घबराया हुआ form. आए, लेकिन even while having such a huge responsibility, स्मृति Baba continue to give you the experience of the subtle and the ages, भले कितना भी कोई व्यक्त भाव में हो, you should also be clearly visible. आप लोगों के सामने आते ही, no matter how peaceless, अव्यक्त स्थिति का or frightened, अनुभव करे, the power from your second दृष्टि, your attitude, consciousness, कार्य करे, should make him complete. अभी तक के रिजल्ट में मास्टर सूर्य के समान नॉलेज की लाइट देने के कर्तव्य में सफल हुए हो, लेकिन you should experience the किरणों की माइंड से हर एक आत्मा in front के of संस्कार रूपी कीटाणु को नाश करने का कर्तव्य करना है। लाइट देने में पास हो, is that you are successful, माइट देने का कार्य, task of giving the light of माइट देने का कर्तव्य अब रहा हुआ है, knowledge, but you still have to perform the task, लाइट देने के पास हो, the संस्कारस of माइट देने का कर्तव्य अब रहा the हुआ might है, of the rays, you have passed in giving light. But the task of giving might still remains. Om Shanti. To be continued. Om Shanti. Kal aage ki murli sunenge.